एक शब्द नहीं बोल रहा, चल मेरे साथ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? श्वेता को खुश नहीं देखना चाहती? इस झूठ का सहारा लेकर अमन को श्वेता की नजरों से गिराकर क्या मिलेगा तुझे? भाभो, मैं बस यही कहना चाह... कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं बोलेगी तू। जिस श्वेता से इतना प्यार मिला तुझे, उसी श्वेता का सुख चैन छीन लेना चाहती है ना? जिस घर ने तुझे सर छुपाने की जगह दी, उस घर की खुशी तुझसे बर्दाश्त नहीं होती? क्या हुआ? ये देख तारा, मुझे पता था ये लड़की ऐसे गुल जरूर खिलाएगी। पहले शादी के लिए हाँ करकर सबकी आंखों में महान बन गई, अब इसे शादी नहीं करनी तो इस हद तक गिर गई है ये कि श्वेता की शादी तोड़ना चाहती है। भाभों ने तुम्हें कसमें खिलाई, वो तुम्हें याद नहीं आई। अरे लेकिन इस घर ने जो तुम पर एहसान किए वो भी भूल गई तुम? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बोलो? सावरी, एक बात याद रखना, श्वेता को अगर तुमने कुछ भी कहा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत अच्छे बन गए हम तुम्हारे लिए, अब बस। श्वेता की जिंदगी में जहर घोलना बंद कर दे। आखिरी बार चेता रही हूं तुझे सावरी, नहीं मानी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये मेरा वादा है तुझसे। एक बार मेरी चुप। चलिए भाभा। हे भगवान, अब तेरा ही आसरा है, करो प्लीज कुछ करो। आप लोग किसी बात की चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी भावों ने जिस तरह से मुझसे फोन पे बात की है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे बारे में कुछ ऐसा वैसा सोच रही हैं। पर अगर तुमने अपने आप पे काबू नहीं रखा तो बहुत जल्दी उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ दिनों के लिए सही, पर भगवान के लिए अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखो, अपने बर्ताव को बदल लो। अभी तो वो हमारी सारी बातें मान रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो कि वो खानदानी लोग हैं। अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ ना तो उन्हें इस रिश्ते को तोड़ने में देर नहीं लगेगी। जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, तुम जरा संयम से काम लो। एक बार वो तुम्हारी बीवी बनकर इस घर में आ जाए, फिर तुम जानो और वो जाने। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमन, ये रिश्ता हमारे लिए हर लिहाज से बहुत जरूरी है। उनके परिवार से जुड़ के हम उनके बिजनेस से जुड़ने जा रहे हैं, और अगर ये रिश्ता टूट गया तो हमें उनके बिजनेस से होने वाले फायदे से भी हाथ धोना पड़ेगा। आप लोग ठीक कह रहे हैं, जब तक मैं उसका विश्वास हासिल नहीं कर लेता मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे उसको अपने इतना करीब लाना होगा ताकि वो मुझसे कभी भी दूर ना जा पाए। एक काम करता हूं, आज उसे अपने साथ कहीं बाहर ले जाता हूं, उसके साथ थोड़ा समय बिताता हूं। बेटा ये ध्यान रहे कि कहीं ज्यादा मिलने जुलने से तुम्हारा सच उसके सामने ना आ जाए। डोंट वरी डैड, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मेहमानों की लिस्ट तैयार हो गई ना? इस बात का विशेष ध्यान रखना है तारा कि इस बार कोई रिश्तेदार ना छूट जाए। कल को मैं ये नहीं सुनना चाहती कि इसको नहीं बुलाया उसको नहीं बुलाया। नहीं भाभू, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कर लूंगी। ठीक है।
हेलो जी, हुकुम हुकुम। छोटे ठाकुर का फोन आया है, वो सावरी बिटिया से बात करना चाहते हैं। अंदर जाके सावरी को बुला के ले आओ। हेलो सावरी, फोन पर आने में इतना समय लगा दिया तुमने, पर अब मेरी जिंदगी में आने में ज्यादा समय मत लगाना प्लीज। सच कहूं तो मेरे लिए शादी के दिन तक का इंतजार करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जी वो मैं किचन में काम कर रही थी। किचन में काम? मैं समझ सकता हूँ, बचपन से ही तुम्हें बड़ा सोचने की आदत नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी शादी छोटे ठाकुर से होने वाली है। ये नौकरों वाले काम छोड़कर राज करने की आदत डालो सावरी। भाई अब तुम छोटी ठाकुराइन बनने वाली हो? अरे हाँ, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि मैंने हनीमून्स के लिए नेपाल के टिकट्स बुक कर लिए हैं। अब प्लीज ये मत सोचना कि वहां श्वेता और अमन भी हमारे साथ जाएंगे, वहां सिर्फ मैं और तुम। सावरी सुन रही हो ना? जी। अरे तो छोटी ठकुराइन हाँ या ना कुछ तो कहो। जी हाँ। अच्छा सुनो, अमन अभी थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाला है, उसने श्वेता को साथ में लेके सगाई की अंगूठी लेने के लिए बाहर जाना है। तुम एक काम करना, तुम भी उनके साथ चली जाना। हालांकि तुम्हें खरे सोने की पहचान तो नहीं होगी, पर फिर भी कुछ खरीद देना अपने लिए, ठीक है? जी। ओके देन, बाय। सावरी देख तो बाहर कौन है। इतना बेबस कर दूंगा उसे कि एक एक सांस के लिए उसे मेरी इजाजत की जरूरत पड़ेगी। क्या हुआ सावरी, ऐसे क्या देख रही हो? अंदर आने के लिए नहीं कहोगी अपने चीजू सा को? प्रणाम बापू सर। जीते क्षमा चाहूंगा बाबू, बिना किसी को बताए चला आया। अरे आप तो अब हमारे कंवरसा हैं, आप ही का घर है। सावरी अमन के लिए जरा पानी तो ले आ। आइए बैठिए। कहो कैसे आना हुआ? अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए श्वेता को अपने साथ ले जा सकता हूँ, सगाई की अंगूठी और उसकी पसंद की ज्वेलरी खरीदने के लिए। मैं जानता हूं कि आमतौर पर हमारे परिवारों में ऐसा नहीं होता, लड़के वाले ही अपनी पसंद की ज्वेलरी खरीदते हैं, लेकिन मैं श्वेता की पसंद और नापसंद का पूरा ख्याल रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई और उसके लिए कुछ खरीदे और फिर उसे वो पसंद ही ना आए। अगर आपकी आज्ञा हो तो। मैं कौन होती हूँ आप दोनों को रोकने वाली? जरूर ले जाओ उसे। थैंक यू वेरी मच बाबू। थैंक यू। सावरी अरे आप कब आए? कैसे आप? अरे 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 सांस तो ले ले, एक ही साथ इतने सारे सवाल। अमन तुझे अपने साथ ले जाने आया है, तेरी पसंद की अंगूठी खरीदने, सगाई में पहनाएगा ना तुझे। सगाई की अंगूठी? सावरी तुम भी चलो ना साथ में। अरे नहीं श्वेता बेटा, सावरी नहीं आ पाएगी, बहुत काम है ना घर में।
अबे सावरी की भी तो शादी है ना, उसके बारे में कितनी बातें करनी है उसके साथ। हाँ श्वेता, अंगूठी तो तुम्हारी चॉइस की होनी चाहिए ना, तो सावरी जाकर क्या करेगी? नहीं ताई साहब, अगर सावरी मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ले जा सावरी को भी। तो फिर आगे दीजिए बाबू साहब। जीत मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी वाली लूं, ये वाली लूं? तू बता ना, तुझे कुछ अच्छा लगा? तू भी अपने लिए कुछ पसंद कर ले, है ना अमन? अब श्योर, आफ्टर ऑल ये हमारे काका सा की होने वाली दुल्हन है, एनीथिंग यू लाइक। तुम्हें कुछ पसंद आया कि नहीं? कमाल है, इतनी सारी रिंग्स है लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी नहीं जिसे देखते ही मुंह से वाओ निकले। मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आया। कसूर आपका नहीं बल्कि आपकी पसंद का है। हाय, एक्चुअली आपकी पसंद है ही लाखों में एक, क्या करें? आप यहाँ? दिस इज माई फियांसे अमन। और अमन ये वही है जिन्होंने मेले में मेरी जान बचाई थी और उसके बाद डांस कंपटीशन में इन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरह से हराया। पता है अमन, डांस के मामले में मुझे कोई नहीं हरा सकता, पहली बार हारा और वो भी लड़की से। यू आर डेफिनेटली अ सरप्राइज क्वीन। एनीवे, आई एम राजवीर। हाय। जानता हूँ, देखा था मैंने आपको इनके साथ डांस करते हुए। ओह, तो आप लोग एंगेजमेंट रिंग ढूंढ रहे हो? कांग्रेचुलेशंस। और आप? मैं एक्चुअली अपनी दासा के लिए कान के बूंदे लेने आया हूँ। श्वेता, अगर थोड़ा जल्दी करें तो, काफी शॉपिंग करनी है। नहीं, हाँ आई एम श्योर, एंगेजमेंट है और बहुत काम है। आई विल सी यू। ये कैसी लग रही है तुम्हें? आई थिंक दिस इज रियली ब्यूटीफुल। हाँ शी, बहुत बुरी लगेगी। आई मीन जस्ट सी ना, इसकी साइज देखो और मेरी उंगली की साइज देखो। डोंट यू थिंक कि ये बहुत बड़ी लगेगी मुझ पर? सॉरी टू इंटरप्ट, पर अमन साहब, अंगूठी को उंगली से नहीं बल्कि पहनने वाले की पर्सनालिटी से मैच किया जाता है, और असली जेवर वो नहीं होता जो सिर्फ चमक रहा हो, बल्कि वो होता है जिसे देखकर, जिसे जिसे पहनकर आंखों में चमक आ जाए। लेट मी हेल्प। इसे हमेशा यही क्यों लगता है कि जो भी इसे पसंद आएगा वही मुझे भी पसंद आएगा? ये आपके लिए। ऐसे लगता है ये आप दोनों के एंगेजमेंट के लिए ही बनी है। This is great. बहुत अच्छी है ना अमन? जो तुम्हें अच्छी लगे। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, आपको बदले में मेरे लिए कुछ करना होगा। डरिए मत, ऐसा वैसा कुछ नहीं, आपको बस मेरी ढांसा के लिए कान के बूंदे सिलेक्ट करनी होगी। आई एम रियली बैड एट इट, सो May I? Sure. Why not?
तो अपनी भाषा के बारे में कुछ बताइए, वो देखने में कैसी है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनकी पसंद। अपनी भाषा के बारे में कैसे समझाओ? ओके, शी इज लाइक गॉड टू मी। और कोई भी इंसान अपने खुदा को कैसे डिफाइन करेगा, उनकी पर्सनालिटी के बारे में कैसे बताएगा? समझ गई। समझ गई कैसे? एक ओके, वाह, दिस इज ब्यूटीफुल। I must say कि surprise queen, आपकी पसंद बहुत ही अच्छी। I'm really impressed. Thanks. Anyway, it was really nice meeting you. I'll see you. Bye. आप लोग चलिए, मैं पेमेंट करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे जेवर हैं, एक बार देखिए तो सही। नहीं चाहिए, चलो श्वेता। अरे मैडम जी आइए ना, 500 से ज्यादा डिजाइन है हमारे यहाँ, आइए एक बार देख लीजिए। मना किया ना कि नहीं चाहिए, समझ में नहीं आता क्या एक बार? अरे भाई साहब, आप अपनी पसंद के जेवर देख लीजिए, मैडम मैडम खुश हो जाएंगी। सॉरी मैडम, सॉरी, धोखे से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। चलो श्वेत। अरे ये अमन कहाँ चला गया? मेरी श्वेता को हाथ लगाया तूने? श्वेता को हाथ लगाया? श्वेता को हाथ लगाया तूने?